हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माई आर्ट सी जी व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज जा रही हूँ दोस्तों बाहर कहीं किसी काम से, और वो काम क्या है आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में मेरे, और देखिए कि मैं किस काम से जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए फिर चलते हैं। तो हम सफ़र शुरू कर चुके हैं दोस्तों, और अभी हम हैं NH30 में जो कि रायपुर से जगदलपुर को जोड़ती हुई निकलती है। तो चलिए फिर चलते हैं और आप देखिए वीडियो, हम लेते हैं सफ़र का मज़ा। तो चलते हैं फिर, और ये देखिए सामने छोटी सी पहाड़ दिखाई दे रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत ही सुहाना हो चला है। तो चलते हैं फिर। चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं माकड़ी ढाबा। यहाँ का खीर बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, मैं यहाँ दो बार पहले भी आ चुकी हूँ, तो आप भी ज़रूर आइए और यहाँ के खीर का स्वाद लीजिए। तो ढाबा से निकलने के बाद अब हम पहुंच गए हैं कांकेर। ये कांकेर सिटी है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। कांकेर से निकलने के बाद हम आ चुके हैं केसकाल घाटी में। केसकाल घाटी में स्थित यह मंदिर है तेली माता का मंदिर। तो हम माता के दरबार में अपना माथा टेक लेते हैं और अपना सफ़र फिर आगे शुरू करेंगे। चलिए फिर आप भी माता का दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और हम अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। आगे चलते चलते हम आ गए हैं टाटा मारी, जो कि केशकाल घाटी के ऊपर स्थित जगह पे है। तो हम केशकाल घाटी में से होके टाटा मारी आ गए हैं, और ये टाटा मारी का खूबसूरत सा नज़ारा है। टाटा मारी आने के बाद जैसे ही हम यहाँ कदम रखे वैसे ही तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो हम एक जगह खड़े हो गए थे, इसीलिए हमने ज़्यादा यहाँ वीडियो नहीं बनाया, बस थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया है। तो देखिए ये जगह कितनी सुंदर है, बहुत ही अच्छा गार्डन बना हुआ है। और एक चीज़ और, यहाँ के जो खाने हैं, जो लोकल खाना, यहाँ सागोड़ा जिसको कुचई पत्ता बोलते हैं, उसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसा सुना है। ये गेस्ट हाउस है, आप चाहे तो यहाँ आकर रुक भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो तो बहुत ही प्यारा है। तो चलिए हम चलते हैं, मेरा बेटा निकल रहा है वैसे भी आगे, क्योंकि उसको पता है अब वापस होंगे, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है। तो चलते हैं फिर। अब चलते चलते हम आ चुके हैं कोंडा गांव। ये कोंडा गांव है दोस्तों, यहाँ पर जो बस्तर के कल्चर है उस टाइप में कुछ बने हुआ है। इस पार्क में घोटुल वगैरह जो होते हैं ना, जो मुक्तांगण में जो बना है, वैसे ही कुछ है यहाँ, छोटा रूप उसका, अच्छा लग रहा है। और सामने में बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो कि है हॉस्टल। और चलिए फिर घर पहुँचने वाले ही हैं, घर पहुंचकर दिखाते हैं आगे का प्लान क्या है हमारा। अब हम घर पहुंच ही गए, अब घर से हम निकल रहे हैं किसी और जगह। और ये जो सामने गाड़ी है वो है भैया की गाड़ी, तो भैया है हमारे साथ में और हम उनके साथ जा रहे हैं, उनके पीछे हैं, क्योंकि जिस जगह हमको जानी है वो हम भैया के साथ जा रहे हैं। वहाँ हम पहली बार भैया के साथ ही गए थे, और उस जगह में भैया के जान पहचान के लोग हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ की समितियों से, वहाँ जो भी हैं उनसे। तो फिर हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं,
और ये मौसम देखिए कितना घटा छाया हुआ है, जैसे लग रहा है कि पानी अभी गिरने वाली है। मौसम तो अच्छा लग रहा है, पर बस बारिश बस मत हो, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगा तो फिर जहाँ हम जा रहे हैं पता नहीं वहाँ फिर क्या होगा। इसीलिए भगवान करे तो बारिश बस मत हो, मौसम ऐसा ही रहे। पर बारिश तो होगी जिस हिसाब से घटा छाया है, क्योंकि जब हम आए तो कई जगह बारिश हो रही थी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर जो है जगह जगह ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, साथ ही पुलिस बल व जवान भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में तैनात रहते हैं, क्योंकि आज के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं, क्योंकि यह जगह साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है और लोगों को इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अब हम आ चुके हैं पार्किंग वाली जगह पर, अब देखते हैं हमको पार्किंग कहाँ मिलता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। और भीड़ को तो देखो दोस्तों, भीड़ तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, इसीलिए हम दोपहर के समय में आए हैं, क्योंकि सुबह तो भीड़ और भी ज़्यादा रही होगी, इससे डबल रही होगी। चलते हैं फिर आगे, बने रहिए फिर मेरे साथ। और ये देखिए सामने का नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा है ना। वो जो पहाड़ी दिख रही है, हमें उसी पहाड़ी पे जाना है। पहले यहाँ गाड़ी पार्क कर लेते हैं, फिर उतरते हैं यहाँ से और चलते हैं। हमें जिस जगह जाना है दोस्तों, वो जगह है माँ लिंगेश्वरी का दरबार। जी हाँ, हम माँ लिंगेश्वरी के दरबार में आए हैं माता का दर्शन करने के लिए। और ये पहाड़ी का नज़ारा है, पहाड़ी पे चढ़ने के बाद जो नज़ारा है कुछ इस तरह से है। यहाँ लोगों की भीड़ काफ़ी संख्या में है। हम पहाड़ी में आने के बाद थोड़ा सा बैठ गए, क्योंकि पहाड़ी में चढ़ो तो थोड़ा थकावट लगता है, उसके बाद फिर दर्शन कर लेते हैं। तो हमने दर्शन कर लिया है, अब यहाँ पर मेरे बेटे को मौली धागा बंधवा रहे हैं। सामने से तो आपको नहीं दिखा सकी दोस्तों, क्योंकि उस जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो दर्शन करके तुरंत निकलना होता है। पर मैं कोशिश करती हूँ आपको माँ लिंगेश्वरी की प्रतिमा दिखाने की। तो चलिए मैं जो गुफा है, माँ लिंगेश्वरी गुफा में है, उसके पीछे से आपको दर्शन कराती हूँ। और यहाँ पर नारियल फोड़ा जा रहा है, तो ये गुफा का पीछे वाला हिस्सा है। लोग माता का दर्शन करने के लिए पीछे वाले हिस्से में आए हैं, और यहाँ से जो चट्टान है वहाँ थोड़ी सी जगह है, वहाँ से दर्शन कर रहे हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि चलो मैं भी यहाँ से माता का दर्शन कर लूँ, तो देखती हूँ मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी भीड़ है काफ़ी। तो फिर मैं चलती हूँ दोस्तों, जाती हूँ एक बार फिर दर्शन करने के लिए। और ये देखिए माँ लिंगेश्वरी की प्रतिमा, ये भगवान शिव को यहाँ स्त्रीलिंग में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो हर साल धीरे धीरे बढ़ रही है,
और सही भी है, क्योंकि मैं 2018 में जब आई थी तो ये प्रतिमा थोड़ी छोटी थी, जो कि अब काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आपने माता का दर्शन कर लिया है, तो चलते हैं हम। यहाँ पर खीरा का प्रसाद खाया जा रहा है। जो मन्नत लेकर आते हैं, जो निसंतान दंपति होते हैं, उनको प्रसाद के रूप में खीरा दिया जाता है, वो उसी को प्रसाद के रूप में खाते हैं। और मन्नत पूर्ण होने के बाद पुनः इस जगह पर माता का आभार व्यक्त करने आते हैं। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, हम भी यहाँ पर माता का आभार व्यक्त करने माता के दरबार में माथा टेकने आए हैं, क्योंकि हमने भी मन्नत मांगी थी, तो हमारा मन्नत जो है वो पूर्ण हो चुका। तो हम यहाँ आए हैं, इसके लिए हमने 2 साल का इंतज़ार किया, क्योंकि कोविड के कारण ये जगह 2 साल अभी बंद थी, खुली नहीं थी। समिति के लोग ही आकर पूजा की करते थे, और बाकी आम जनता के लिए बंद थी ये। तो अच्छा लगा इस बार कि माता का दर्शन हमको हो चुका। और भीड़ देखिए, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। ये पूरा नज़ारा जो है पहाड़ी से लेके पूरा नीचे तक ऐसा ही है दोस्तों। बीच बीच में थोड़ा सा रोका जाता है ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर बसा है माता लिंगेश्वरी का दरबार। देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है, तो अच्छा लगता है। और ये जगह यहाँ के लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत ख़ास होता है, क्योंकि आज के दिन मेला भी लगता है यहाँ। और मेरा बेटा जा रहा है आगे, चलिए चलते हैं हम भी। माता लिंगेश्वरी के दरबार में जो भी सच्चे मन से अपनी मन्नत लेकर आते हैं दोस्तों, उनकी मन्नत पूर्ण होती ही है, क्योंकि मैं यह अपने अनुभव से बता रही हूँ। क्योंकि जब मैं आई थी तो हमारे साथ एक फैमिली और थी, और भगवान ने देखो आज के समय में उनको भी संतान की प्राप्ति दे ही दी। उनको कम से कम 7-8 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद बना रहता है, तभी यहाँ इतनी भीड़ है, लोग काफ़ी संख्या में आते ही हैं। और यहाँ पर होता है जिसकी मन्नत पूर्ण हो जाए रहती है उनका पंजीयन, तो यहाँ पर लोग पंजीयन करा रहे हैं, तो हम भी चलो पंजीयन करा ही लेते हैं। हाँ देखिए, इतने सारे लोगों के बीच मुझे क्या मौका मिला। माता लिंगेश्वरी के दरबार में 2018 में आई, तो 2018 में आने के बाद 2019 में मेरा बेटा हुआ, तो 4 साल बाद हुआ था मेरा बेटा। तो अच्छा लगा माता के दरबार में आके। तो आप सब भी आइए, जो निसंतान दंपति है उन्हें बताइए जो आ चुके हैं इस मंदिर में, तो माँ लिंगेश्वरी आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और बोलो माँ लिंगेश्वरी की जय। ये है आंगा देव, आदिवासी जनजातियों के आराध्य देव। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई दोस्तों, हम समिति के लोगों से मिलने गए थे और उन्होंने मुझे मौका दिया कि कुछ 2 शब्द मैं बोलूं ताकि लोगों का उत्साहवर्धन हो। तो मैंने 2 शब्द बोल दिया, और मैंने कैसा बोला आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मैंने ठीक कहा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे। और ये देखिए यहाँ की भीड़, ये जो लाइन लगी है ये पूरे पहाड़ी तक ऐसा ही है, माता के दरबार तक पूरे नीचे से लाइन लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम, अब घर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब घर आने के बाद हम आ गए हैं रेस्टोरेंट, ये है विदेशी रेस्टोरेंट। तो हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं। मैं अपने बेटे को ऐसी नाइट ड्रेस में ले आई, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो हम यहाँ विदेशी रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, अब यहाँ डिनर करेंगे। तो देखते हैं अंदर। और यहाँ पर है भैया और शिवा उसके पापा। तो चलिए चलते हैं और हम डिनर कर लेते हैं। तो हम अभी ऑर्डर दे चुके हैं। ऑर्डर देने के बाद हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं।
दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मैं आगे और भी आपको वीडियो दिखाऊंगी दोस्तों जो कि बस्तर से जुड़ा हुआ होगा। मैं बस्तर के जो भी खूबसूरत और दो चार जगह हैं जहाँ हमको जाना है मैं उस जगह की सैर कराऊँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। और मुझे दीजिए यहीं पर इजाज़त, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।